मेरठ एसएसपी कार्यालय पर आज उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक महिला ने खुद पर तेल छिड़क कर आग लगाने की कोशिश की। वहीं मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने महिला को बचाया। महिला का आरोप था कि उसके साथ युवक ने रेप किया था और अभी तक उक्त मामले में कोई कार्रवाई नहीं की गई। वहीं जब मामले की तफ्तीश की गई तो हैरान कर देने वाले सच सामने आया है। मेरठ एसएसपी ने बताया कि महिला अपने पति की हत्या के आरोप में अपने प्रेमी संग जेल गई थी और उक्त मामले में जमानत पर बाहर है। इसी मामले में समझौते के लिए महिला ने अपने प्रेमी के कहने पर हत्या के मामले में वादी जिठानी और एक युवक के खिलाफ भवाना थाना क्षेत्र में दुष्कर्म का मामला लिखवाया था। सर, एक महिला ने आज आपके ऑफिस के बाहर मिट्टी का तेल डाला, क्या हकीकत उस पूरे मामले की? एक 34-35 वर्ष की महिला हमारे कार्यालय में आई थी। हम लोग इधर नमाज वाली स्थिति में सड़कों पर भ्रमण कर रहे थे। एसपी क्राइम से मिलने आई थी और मिली भी नहीं है और कार्यालय के बाहर जो है इसने अपने ऊपर मिट्टी का तेल डाला। तत्काल पुलिस कर्मियों द्वारा इसको पकड़ा गया और पूरे मामले की जांच पड़ताल की गई तो ये तथ्य निकल कर सामने आया कि अपने पति की हत्या में अपने प्रेमी के साथ ये महिला जेल में 8 महीने रही और जेल से बाहर आने के बाद एक हत्या के मुकदमे में समझौता कराने के लिए इसने अपने प्रेमी के कहने पर एक बलात्कार का अपना मुकदमा अपनी जेठानी और एक अन्य व्यक्ति के खिलाफ लिखवाया। क्षेत्र अधिकारी द्वारा इस पूरे मामले की जांच की गई, मामला फर्जी पाया गया और उसको समाप्त कर दिया गया। अभी महिला चाहती थी कि इसके जेठानी और उस दूसरे व्यक्ति के खिलाफ पुलिस चार्जशीट करके जेल भेज दे ताकि हत्या के मुकदमे में समझौता हो। पूरे तथ्य को गंभीरता से लिया गया है। महिला को और उसको जो उकसाने वाला उसका प्रेमी था, दोनों को जेल भेजने की कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है।